बाईतू कस्बे में स्थित श्री यादव माता मंदिर का द्वितीय वर्षीय पाठोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। पाठोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। रविवार को मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बाईतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। बाईतू कस्बे में स्थित श्री यादव माता मंदिर का द्वितीय वर्षीय पाठोत्सव रविवार को हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। पाठोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिर में भवरात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में गायक कलाकार शिवपुरी और बाल कलाकार विष्णु प्रजापति द्वारा सुरमई भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। श्री यादव माता मंदिर का पाठोत्सव मावर प्रजापत समाज लीक पट्टी बायतू और श्री यादव माता मंदिर विकास एवं सेवा समिति लीक पट्टी बायतू की ओर से मनाया गया। समिति के अध्यक्ष तारा चंद वीराणा की अनुगाई में पाठोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बायतू कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरी। शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह विभिन्न समाजों और कस्बे वासियों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। पाठोत्सव को लेकर आयोजित हुए समारोह में मंदिर की विभिन्न बोलियां भी लगाई गई और मंदिर विकास को लेकर समाज के मौजूद लोगों के बीच विचार विमर्श किया गया। समारोह के दौरान समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। रात्रि जागरण में लक्ष्मण राम प्रजापत ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सिमरथा राम बेनीवाल, बाड़मेर जिलाध्यक्ष रावता राम प्रजापत, हेमा राम दुधवा, गोमा राम मालीवाल, रामाराम हाटवा, भवरलाल चांदेसरा, पद्माराम उंडू सहित श्री यादव माता के हजारों भक्त शरीक हुए।